माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित करें कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, एक नए गीत नई तरनुम के साथ, नए आह्वान के साथ आप सबके बीच हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया, हम सबके लाडले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। बचपन से मैं पढ़ता भी रहा हूं और अंतर आत्मा से मानता भी रहा हूं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब मेरे भांजे भांजियों के गुरु हैं और इसलिए गुरुओं का आदर हो, सम्मान हो, समाज में इज्जत और मान रहे, तभी वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह और प्रभावपूर्वक कर सकते हैं। इसलिए सवाल उम्र का नहीं है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, गुरु तो गुरु होता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। और समाज गुरु का सम्मान करे, इसलिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आज अपने भाषण की शुरुआत इन गुरुओं को प्रणाम करके करेगा। ये मैंने हृदय से किया है, अंतर आत्मा से किया है। और बचपन से जब मैं पढ़ता था, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, सरकारी स्कूल में अपने गांव में। स्कूल में उस समय टाट पट्टी नहीं होती थी, तो एक फट्टा बिछाने के लिए संग ले जाना पड़ता था। एक कांख में फट्टा दबाते थे, दूसरे में बस्ता होता था, और स्कूल जाके सबसे पहले जो हमारे गुरुजी थे, शिक्षक थे, उनके पैरों पे हम सिर रख के कहते थे प्रणाम गुरुजी। ये श्रद्धा का भाव होता था, और आज भी मैं कह रहा हूं प्रणाम गुरुजी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दोनों शिक्षा मंत्री मीना सिंह जी, आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से, और इंदर सिंह जी स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से, दोनों सक्षमता पूर्वक शिक्षा की व्यवस्था के काम में जुटे हुए हैं। विभाग के हमारे अधिकारीगण, रश्मि जी, पल्लवी जी, संजीव जी, बैरागी जी, अभय वर्मा, धनराजू जी, सभी शिक्षा विभाग के हमारे साथीगण, और हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण, गुरुजन, आप सबको आज मैं शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि इनको बुला के क्या करोगे, इनको काय को बुलाया है, इनके लिए पंडाल सजाया है, पंडाल में पंखे भी लगाए हैं। अरे जो बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं, वो बच्चे जो भारत के भाग्य विधाता बनेंगे, भारत को गढ़ने का काम करेंगे, क्या उनके निर्माताओं को मैं प्रणाम भी नहीं करूं? क्या उनसे हम चर्चा और बात भी ना करें? आज मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी आदर सहित आपको बुलाया है, पूरे आदर के साथ आपको बुलाया है।
और मुख्यमंत्री मतलब मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि आपके मान और सम्मान को बनाए रखने में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक जमाना था जब शिक्षा की पूरी व्यवस्था चौपट कर दी गई थी। गुरुजी, शिक्षा कर्मी, अब पता नहीं कितने वर्ग बन गए और उसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य भी चौपट हुआ और शिक्षा की व्यवस्था भी चौपट हुई है। मैं पहले सांसद था, एक स्कूल में मैं गया था, बच्चों से जुड़ना मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एक बच्चे से सवाल पूछ लिया स्कूल में जाके कि बेटा बताओ गंगा जी कहां से निकली। तो वो अचकचा गया और फिर कहा विंध्याचल में से निकली। तो मैंने जो गुरुजी पढ़ा रहे थे उनसे पूछा, गुरुजी मतलब एक कैडर होता था, ये गुरुजी का मतलब संपूर्ण गुरुजी नहीं, बीच में आप में से कुछ को पता नहीं होगा, गुरुजी शिक्षा कर्मी ये सब व्यवस्था बन गई थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि भाई क्या पढ़ा रहे हो आप, ये विंध्याचल में से थोड़ी निकली है गंगा जी। तो उनका उत्तर था कि 500 रुपया में तो साहब वो गंगा जी विंध्याचल में से ही निकलेगी। शिक्षकों का भविष्य चौपट हो गया तो भविष्य क्या बनाएंगे। उस व्यवस्था को सुधारने की लगातार कोशिश करते 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 अब इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैंने गुरुजी के नाते आपको प्रणाम किया है, लेकिन आप मेरे प्यारे छोटे भाई बहन भी हैं और हम परिवार में इकट्ठा हैं, और इसलिए राज्य की जो अपेक्षाएं हैं आपसे वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बात की और उद्घोषणा यहां खड़े होकर मैं करता हूं, शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है, निर्माता। और इसलिए आपकी जो आपका जो काम है वो काम नौकरी का काम नहीं है। आप ये भूल जाओ कि आप कोई नौकरी करने वाले सास की सेवक है, आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं आप जैसे बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे बच्चे वैसे ही आने वाले समय में भारत गढ़ के दे देंगे, मध्य प्रदेश बना के दे देंगे। ये दायित्व बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं है मित्रों, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इस दायित्व के अनुरूप खुद को गढ़ लें। और अंतरात्मा में एक दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं गुरु हूं और मुझे आने वाले भारत के लिए, जिसके बारे में भी इंदर जी ने बताया, वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध भारत, उसके लिए अच्छा मध्य प्रदेश, उसके लिए बच्चों को तैयार करना है। बच्चे माटी के लौंदे होते हैं, जैसा चाहो बचपन में गढ़ दो। और इसलिए स्कूल की शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं मेरी कहानी आपको सुनाता हूं। जैसे मैंने बताया मैं जैत में सरकारी स्कूल में पढ़ा, भोपाल में भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। हमारे गुरुजी आज भी वो हैं, श्रद्धेय रतन चंद जैन। मैं जाता था उनके सिर पे, हम सभी पैर रख उनके सिर पे, हम सदैव भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम अपने सिर को उनके पैरों पर सदैव रखते थे।
अब मैं पहले बहुत धीरे धीरे पढ़ता था, किताब पढ़ने का कहते थे वो, अच्छा पढ़ के सुनाओ बच्चों से कहते थे, पांच क्लास के एक ही गुरु होते थे, दूसरी वाले आ जाओ तो दूसरे वाले जाके उनके आसपास खड़े हो गए, कुर्सी पे वो बैठते थे हम आसपास खड़े हो जाते थे, फिर तीसरी वाले आ जाओ, फिर चौथी वाले आ जाओ, ऐसा पढ़ाते थे। तो मैं किताब बड़े धीरे धीरे पढ़ता था, गुनर गुनर सी, कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम ऐसे घबरा के काहे को पढ़ते हो, पढ़ो जोर से, शब्दों का उच्चारण जोर से करो और स्पीड धीमी रखो। तो मैं उस दिन से जोर से पढ़ने लगा और स्पीड धीमी रखने लगा, बीच में गैप रखने लगा। फिर एक काम करते थे वो, हर शनिवार के दिन बाल सभा होती थी हमारे यहां, तो बाल सभा में बाकी भी कार्यक्रम होते थे लेकिन वो अब रामायण की पांच दोहे तक, मतलब बीच में चौपाइयां होती है और चौपाई के बाद दोहे होते, तो पांच दोहे तक वो रामायण पढ़वाते थे। तो दो बच्चे रामायण को चौपाई सस्वर पढ़ते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, फिर उसका अर्थ पढ़ते थे। तो वो अर्थ मुझसे पढ़वाते थे कि शिवराज अर्थ पढ़ेगा, तो मैं अर्थ बढ़िया पढ़ने लगा। धीरे धीरे स्थिति यो हो गई कि वो रामायण की चौपाई पढ़े तो मैं पढ़ा हुआ जो अर्थ था वो नहीं पढ़ता था, मैं बिना देखे ही अर्थ करने लगा। अब गांव में ये बात फैल गई कि यार मोड़ा तो बहुत तेज है, ये तो रामायण को अर्थ बहुत अच्छो करे। तो कई जगह मैं रामायण का अर्थ करने लगा। मैं अच्छा वक्ता अगर बना तो उसका श्रेय है श्रद्धे रतन चंद जैन जी को। मैं जो कुछ हूं आज, मैं बाकी बच्चों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शिवराज जो कुछ है वो अपने गुरु के कारण है, अपने गुरु के कारण। मुझे उन्होंने एक बात और कही जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और आप भी बच्चों से कहना। उनने मुझे एक मंत्र दिया कि शिवराज तुम ये मत समझो कि गांव में पैदा हुए, किसान के घर पैदा हुए, हम छोटे किसान कि मैं क्या कर सकता हूं। उनने मेरे दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया कि तुम दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडारो, अपने आप को छोटा बालक मत मानो, कुछ करने का सोचो, कुछ करने का सोचो, कुछ करने का सोचो। मेरे दिमाग में बैठ गई बात का कुछ करना है। तो सातवीं में तो मैंने पहला आंदोलन कर दिया था मजदूरों के लिए, कुछ बड़ा करने का भाव मेरे अंदर भरा तो मेरे गुरु ने। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, सचमुच में हर बच्चा अनंत शक्तियों का भंडार है। भगवान ने किसी को कम और ज्यादा नहीं दिया, क्षमता सब में है। सवाल यही कि उसको प्रकट वो कैसे कर पाता है। अगर गुरु ठीक मिल जाए तो बच्चे की क्षमता का प्रकटीकरण हो जाता है और वो डॉक्टर राधाकृष्णन, बाबा साहब अम्बेडकर, एक नहीं अनेकों महापुरुषों जैसा बन जाता है। हर बच्चे में क्षमता है, लेकिन उसके पहले एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं। देखो, एक तो यह कि जैसे तैसे 10 से 5 तक पढ़ाना है, और ये कि है कि नहीं चमत्कार करना है मुझे। मैं कहानी सुनाता हूं छोटी। एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, मंदिर के निर्माण के काम में 3 मजदूर लगे थे पत्थर तोड़ने के काम में। गर्मी के दिन थे, मई का महीना, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे और उस तपती दोपहरी में वो मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। इतने में एक साधु बाबा वहां से गुजरे, पहले मजदूर के पास पहुंचे,
बोले क्या कर रहे हो भाई? तो गुस्से से मजदूर का चेहरा तमतमा गया। बोले बाबा आंखें फूटती है, दिखाई नहीं दे रहा, किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आ गए पूछने क्या कर रहे हो। वो दूसरे मजदूर के पास गए बाबा शांत भाव से, और दूसरे मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो भाई? तो दूसरा मजदूर अपेक्षाकृत शांत था, उसने कहा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और इसलिए मजदूरी कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर वह तीसरे के पास पहुंचे, तीसरे का चेहरा आनंद से दमक रहा था, पसीना उसके भी बह रहा था, लेकिन चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ। उससे पूछा क्या कर रहे हो भाई? तो उस मजदूर ने प्रसन्न मन से कहा देख नहीं रहे हो बाबा, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों से को मिला है, इन हाथों से पत्थर तोड़ रहा हूं, मेरा सौभाग्य पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, काम एक पत्थर तोड़ना, और भाव तीन किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, जीने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और एक भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं, सौभाग्य मेरा। मेरे प्रिय छोटे बहनों और भाइयों, गुरुजनों, एक ही हो सकता है कि ठीक है बन गए शिक्षक तो जैसे तैसे 10 से 5 करो कराओ नौकरी और निकल लो। दूसरा यह है कि ठीक है अब जो बता दिया विभाग ने उतना पूरा करो। और तीसरा ये कि भारत का भाग्य गढ़ने का सौभाग्य मेरे हाथों से मेरे को मिला है, मैं इन बच्चों को उनके अनुरूप गढ़ के पढ़ा के दिखाऊंगा, सचमुच में जिंदगी आनंद बन जाएगी। पढ़ाई का काम पूजा लगेगा, इससे बड़ा काम तो कोई है ही नहीं। और आपके हाथों अगर कुछ ऐसे बच्चे तैयार हो गए जिनने मध्य प्रदेश बना दिया, देश बना दिया, तो पूरे जीवन आप आनंद और प्रसन्नता से दमकते रहोगे कि चलो मेरे हाथों ये पवित्र काम हुआ है। आप जैसा काम कोई नहीं कर सकता, दूसरे प्रोफेशन के लोग नहीं कर सकते। और इसलिए कई बार मैं पढ़ने मचल उठता है मेरा मन पढ़ाने, और अब भी जब मौका मिलेगा तो आप कहोगे तो पढ़ाने में भी आ जाऊंगा कभी कभी। अद्भुत काम है। और कई शिक्षक अपने ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों के चमत्कार कर रहे हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी आपको यहां बता रहे थे शिक्षा मंत्री कि हम 17वें से 5वें नंबर पे आ गए, सरकारी में 3रे नंबर पे, और मुझे विश्वास है आप सबके प्रयास से हम पहले नंबर पर भी शिक्षा में पहुंचेंगे। मनमोहन विश्वकर्मा, माध्यमिक विद्यालय गेहूंखेड़ी ब्लॉक नरसिंहगढ़, सीखने का आनंददायी माहौल उनने खड़ा किया। बच्चे स्कूल आने मचलते हैं, भगते नहीं हैं। टेक्नोलॉजी से जोड़कर ICT के माध्यम से शिक्षण उन्होंने शुरू किया, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप की, और जनता के सहयोग से स्कूल को बदल के रख दिया। पेन कॉपी रजिस्टर कंप्यूटर टी गार्ड सबकी व्यवस्था कर ली। अब मेरे पास कई कहानियां हैं, लिदौरा दमोह के माधव पटेल, रघुनाथपुर राजगढ़ की श्रीमती ममता शर्मा, तुमड़ा नरसिंहपुर के हल्के वीर पटेल, शासकीय प्राथमिक विद्यालय कागदीपुरा के सुभाष यादव, बैहर बालाघाट के जयंत खांडवे, पुलिस लाइन शासकीय हाई स्कूल के श्री शहडोल के संतोष मिश्रा,
एकलव्य विद्यालय के बीएम तिवारी, संदीप त्रिपाठी जी, समय कम है इनकी कहानियां मैं रटता हूं और लोगों को सुनाता हूं कि शिक्षक हो तो ऐसे हो जो स्कूल बदल देते हैं, बच्चों को बदल कर रख देते हैं। और मेरे प्रिय मित्रों, शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं, नई शिक्षा नीति में भी जो बताए गए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति दिलाए वो शिक्षा है, यही लोक में और परलोक में। इसका मतलब ये नहीं केवल मुक्ति के लिए काम करो, अर्थ इसका यह कि जो मनुष्य को संपूर्ण बनाए वो शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, मनुष्य बना दे। और अगर इन कसौटी पर देखें, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है, मोटे तौर पर मैं उनको तीन भाग, तीन उद्देश्य उसके हैं, मैं तीन उद्देश्यों में बांट कर देखता हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। नंबर एक, शिक्षा का काम है ज्ञान देना। नंबर दो, कौशल देना। नंबर तीन, नागरिकता के संस्कार देना। अब ज्ञान आप सब समझते हैं, इतिहास का, भूगोल का, गणित का, विज्ञान का, भाषा का, जो पीढ़ियों से संचित ज्ञान है उसको हम इस पीढ़ी को ट्रांसफर कर दें, ज्ञानवान बना दें। जो काम हम करते हैं उसको हम कैसे इस ढंग से पढ़ाएं, रटंत विद्या ना बने, अनेकों रोचक तरीके, रोचक तरीकों से कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं और मूल कॉन्सेप्ट को समझें। अगर कॉन्सेप्ट ठीक से उन्हें समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विषय समझ में आ गया वो रटेंगे नहीं, वो उसमें इतने प्रवीण हो जाएंगे कि अपने ढंग से फिर उसको कहेंगे, समझ जाएंगे तो फिर वो संपूर्ण हो जाएंगे। एक ज्ञान देने का काम, वो काम आप दे रहे हैं, आपको कई तरह के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, अलग अलग प्रशिक्षण भी हो रहे हैं, तो ज्ञान देने का काम हमको करना ही है। लेकिन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य और है, कौशल देना। कौशल देने का मतलब है बच्चा इतना योग्य बन जाए कि नौकरी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, व्यवसायिक शिक्षा अब छठवीं क्लास से ही प्रारंभ करने का फैसला नई शिक्षा नीति में किया गया है। देखिए, हम बच्चों को ऐसा नहीं बना सकते, आजकल कई बार मीडिया के मित्र हंगामा खड़ा कर लेते हैं कि मास्टर ने पानी का गिलास बच्चे से भर के बुलवा लिया, इसमें क्या तकलीफ है भाई। मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ करे ही ना। अरे, हम अपने स्कूल में सामने जगह थी और पीछे जगह थी स्कूल के, तो बरसात के दिनों में ककड़ी बोते थे, भुट्टा बोते थे, खुदाई खोदते थे, और फिर भुट्टा जब हो जाते थे तो तोड़ के गुरुजी को भेंट करके इतने खुश होते थे कि देखो गुरुजी कितने अच्छे भुट्टे हुए। और बाद में दिवाली नवंबर में दिसंबर में आलू लगा देते थे। बच्चों को परिश्रम करना आना चाहिए, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे परिश्रम ही करवाए, लेकिन मेहनत करने का बुनियादी गुण,
व्यावसायिक शिक्षा का मतलब यही है कि केवल किताबी शिक्षा नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग, चाहे कृषि की हो, बागवानी की हो, नई शिक्षा नीति में कई चीजों के प्रावधान है, उसकी शिक्षा भी देना। और शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, नागरिकता के संस्कार देना। मेरे प्रिय मित्रों, ये शिक्षक है जो बच्चों में देशभक्ति का भाव भरेगा, देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, केवल अपने लिए नहीं समाज के लिए सोचने वाले, परहित की चिंता करने वाले, आत्मवत सर्वभूतेषु मानने वाले, जियो और जीने दो का भाव वाले, ऐसे बच्चे अगर तैयार हो गए तो देश अपने आप बन जाएगा, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए नैतिक शिक्षा, मुझे कई बार बहुत चिंता होती, मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, हमने बेटियों के पैर क्यों हमने छुए, मैं क्यों सरकारी कार्यक्रम कोई भी बेटियों की पूजा से शुरू करता हूं, इसलिए कि जब समाज में भाव देखते हैं माता बहन और बेटी के प्रति, जो आधुनिक युग में विशेषकर फोन, स्मार्टफोन और कई बार टीवी देख के भी पैदा हो रहा है, वो ठीक नहीं है। कई बार मैं तो कांप जाता हूं अंदर से, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कैसी कैसी घटनाएं होती है, आज आपको मैं बता रहा हूं और तकलीफ के साथ बता रहा हूं, दुराचार की जो घटनाएं होती है बेटियों के साथ, उनमें से 82% वो लोग करते हैं जो पहले से परिचित होते हैं परिवार के, जो अच्छे ढंग से जानते हैं, और उनमें से 5-6% ऐसे होते हैं जो निकट के रिश्तेदार होते हैं, और कहते हुए मेरी आत्मा रोती है कि कई बार तो ऐसी घटना आती है कि पिता ने ही पुत्री के साथ दुराचार कर लिया, बहुत कम है, लेकिन ऐसे नराधम, नीच, पिशाच आज समाज में है। और तब मन में चिंता होती, कहां जाएगा समाज, आखिर कौन दिशा देगा, ये काम कोई पुलिस नहीं कर सकती, घर में क्या कर लेगी पुलिस जाके बताइए, परिचिति गड़बड़ करेगा पुलिस क्या कर लेगी। कुछ घटना तो ऐसी भी कि माता पिता ने भरोसा करके किसी के पास छोड़ दिया और उसने गड़बड़ की, संपूर्ण समाज ऐसा नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति पनप रही है, इसको कौन रोकेगा बताओ, इसको हम संस्कार देके रोक सकते हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री के नाते मैं बेटियों के पैर धोता हूं, उनको तिलक लगाता हूं, उनकी पूजा करता हूं और समाज को संदेश देने की कोशिश करता हूं कि बेटियां देवियां हैं। इसलिए लाडली लक्ष्मी से लेकर अनेकों योजनाएं, ये केवल कर्मकांड नहीं है, लेकिन ये बेहतर शिक्षा और संस्कार कहां से मिलेंगे, क्या बेटों के मन में, बच्चों के मन में ये भाव भरना जरूरी नहीं कि ये जो बेटी है ये तेरी बहन ही है, अलग तरह के संस्कार, नैतिकता, चरित्र, उसको गढ़ने का काम। और जो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी व्यवस्था में इस शिक्षा के लिए पर्याप्त जगह रखिए, अलग पीरियड, अलग दिन तय हो जिसमें हम नैतिकता की कहानी सुनाए, देशभक्ति की कहानी सुनाए। मैं बताऊं, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए,